नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल। अमिताभ बच्चन के इस गाने में तो सुरती या खैनी का आपने खूब बखान सुना होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में सुरती या खैनी खाना गलत आदत मानी जाती है, क्योंकि ये भी नशा का ही एक जरिया है। मगर इसके बावजूद भारत में तो लोग जमकर खैनी खाते ही हैं, बल्कि आज से 12,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में भी सुरती का खूब चलन था। लोग बड़े चाव से सुरती खाते थे। शहर से लेकर गांव तक आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो खैनी बड़े ही चाव से खाते हैं। कभी कभी तो लोग खैनी मांग कर भी खाने से हिचकते नहीं है। और अब इसी खैनी को लेकर एक्सपर्ट्स ने एक बड़ी खोज की है, जिसके मुताबिक खैनी का इतिहास करीब 12,300 साल से भी पुराना है। ये खोज हुई है नॉर्थ अमेरिका के उटाह के रेगिस्तान में, जहां ग्रेट सॉल्ट लेक डिजर्ट में तंबाकू के बीज पाए गए हैं, जो इसका सबूत है कि हजारों साल पहले भी लोगों ने तंबाकू का इस्तेमाल किया है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक्सपर्ट्स ने हजारों साल पुराने तंबाकू के बीज की तस्वीर साझा की है, जो कुछ ऐसा दिखता है। एक्सपर्ट्स को जहां से ये बीज मिला है वहां बत्तख के अवशेष भी मिले हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स अब इस खोज में लग गए हैं कि ये बीज बत्तख के पेट से निकला है, या जिस चूल्हे के पास खुदाई हो रही थी उसमें इसे जलावन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि अभी तो ये भी माना जा रहा है कि वहां खाना पका रहा इंसान इसका सेवन कर रहा था। लाइव साइंस को दिए गए इंटरव्यू में इस खोज के लीडर डेरेन ड्यूक ने बताया कि वो लोग कुछ और रिसर्च कर रहे थे। खोज की जा रही थी कि अमेरिकी बत्तख कब से खा रहे हैं। इसके लिए वहां मिले एक चूल्हे की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान एक्सपर्ट्स के हाथ तंबाकू का ये बीज लग गया। ये टीम के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। पुरातत्वविदों को इस जगह से तंबाकू के सिर्फ 4 बीज ही मिले थे। ये बीज जले हुए थे। डेरॉन ड्यूक ने बताया कि तंबाकू के बीज का मिलना हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि डेरॉन और उनके साथी ये नहीं बता सकते कि यहां मौजूद प्राचीन लोग तंबाकू का उपयोग किस तरह से करते थे, लेकिन उपयोग तो होता था। हो सकता है लोग इसे पीते रहे हो या चबाते रहे हो। एक्सपर्ट्स की टीम ने जो सबूत दिखाए हैं वो बता रहा है कि खैनी का इतिहास हजारों साल पुराना है, यानी करीब 12,000 साल पहले भी लोग खैनी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इससे पहले वैज्ञानिकों ने खैनी के सेवन को लेकर कुछ और ही बात कही थी। पहले ये माना जाता था कि तंबाकू सिर्फ 3,300 साल पहले से खाया जा रहा है। अलबामा में मिले स्मोकिंग पाइप के अंदर मौजूद तंबाकू के अवशेष से यह अंदाजा लगाया गया है, लेकिन अब नॉर्थ अमेरिका के उटाह से मिले तंबाकू के बीज ने यह साफ कर दिया है कि अब से 12,000 साल पहले से ही तंबाकू का सेवन अमेरिकी कर रही है। यानी ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका में भी लोग खूब खैनी खाते रहे हैं।